जल्दी है बिना बेल। हेलो एंड राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? सब अच्छे हैं ना? आई होप सब अच्छे से होंगे। और दोस्तों, आज है सैटरडे और इस वक्त टाइम हो रहा है वही सुबह के 10-11 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। और मैं और मम्मी बाहर आंगन में घर के कुछ पर्दे धो रहे हैं कि तभी बाहर मैक्सी वाले भैया आ गए हैं। तो मम्मी बाहर निकल के मैक्सी देखने बैठ गई हैं। और इन कर्टेंस में जो क्रीम कलर के कर्टेंस थे ना, वो बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे, बहुत ज़्यादा धूल जम रही थी उन पे। और मम्मी अकेले धुल नहीं पाती, फिर उतारने में और टांगने की भी दिक्कत होती है। तो मैंने कहा चलो मैं आई हुई हूँ तो लाओ मम्मी की हेल्प करा दूँ। और आज मौसम भी ऐसा ही हो रहा है, धूप बिल्कुल नाक के बराबर निकली हुई है। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, पापा भी ऑफिस से घर आ चुके हैं। तो मम्मी इस वक्त पापा का लंच बॉक्स, पानी की बोतल वगैरह वॉश कर रही हैं। और मैं यहाँ पर प्याज काट रही हूँ सब्जी के लिए। और सब्जी में मैं आज बना रही हूँ भरवा पनीर शिमला मिर्च। और प्याज काटने के बाद मैंने गैस पर कढ़ाई रखी है, उसमें हल्का सा ऑयल डाला है। जब ऑयल गर्म हो गया है उसमें हींग जीरे का तड़का लगा करके प्याज फ्राई की है। और फिर उसमें थोड़ी सी हल्दी डाली है। हल्दी के पक जाने के बाद मैंने इसमें पनीर डाला है। और ये पनीर लगभग 150 ग्राम था जिसे मैंने कद्दूकस से कस लिया था। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सारे मसाले, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला और नमक। और मसाले डालने के बाद अभी हमें गैस बंद नहीं करनी, बल्कि बिल्कुल स्लो आंच पे इस मिश्रण को ऐसे चलाते रहना है जिससे कि मसाले इनमें अच्छे से मिक्स हो जाएं और पक भी जाएं। तो अभी मैंने इस मिश्रण को ठंडा होने के लिए रख दिया है गैस बंद करके, जब तक मैं इन शिमला मिर्च में बीच में से होल कर लेती हूँ, क्योंकि पनीर प्याज का ये जो मिक्सचर है वो हमें इन शिमला मिर्च में फिल करना है। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से इन शिमला मिर्च में ऊपर वाला डंठल हटाकर बीच में से होल कर दिया है। और इसमें अंदर जो कुछ भी था, बीज वगैरह, वो सब निकाल दिया है। अभी यहाँ पर बन रही है शाम वाली चाय। तो मैंने एक दो शिमला मिर्च भर के रख दी हैं और अभी मैं चाय बनाने लग गई हूँ। जब चाय बनाकर उसके बाद मैं बाकी की शिमला मिर्च भरूँगी। और मैंने इस चाय में थोड़ी सी पिसी काली मिर्च और थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर डाला है, क्योंकि अदरक आज ख़त्म हो गया है और मम्मी को सब्जी वाले से लेने का ध्यान भी नहीं रहा। और बिना अदरक की चाय मेरे पापा को अच्छी नहीं लगती। अब ये काली मिर्च और दालचीनी अदरक का टेस्ट तो नहीं देगी चाय में, लेकिन अदरक की कमी भी महसूस नहीं होगी। और मैंने ज़्यादा कड़क चाय नहीं बनाई है, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा कड़क चाय पसंद भी नहीं है किसी को, मुझे खुद भी पसंद नहीं है, एकदम कड़वी कड़वी हो जाती है। और सभी को चाय देने के बाद मैं फिर से अपने काम में लग गई हूँ इन शिमला मिर्च में ये पनीर प्याज का मिक्सचर भरने, क्योंकि इसके बाद मुझे अभी ये पकानी भी है। और ये देखिए, हमारी सारी शिमला मिर्च भर गई हैं और मैंने खूब अच्छे से भरी हैं, दबा दबा के सारा मसाला भरा है मैंने इसमें। और अब मैंने फिर से गैस पर कढ़ाई रख के उसमें हल्का सा ऑयल डाला है, और ऑयल बहुत कम है क्योंकि इन शिमला मिर्च में जो मसाला भरा है वो ऑलरेडी ऑयल में फ्राई किया हुआ है, तो हमको यहाँ ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत ही नहीं है। और अब ऑयल के अच्छे से गर्म हो जाने के बाद मैं एक एक करके सारी शिमला मिर्च इसमें रख करके प्लेट ढक के रख देती हूँ। और बीच बीच में हमको इसे चलाते रहना है कि जिससे ये लगे ना। हेलो, मैं जस्ट अभी किचन से निकल के आ रही हूँ, सब्जी बना करके आ रही हूँ। और आज ना मैंने पूरे दिन कुछ भी शूट नहीं कर पाया, क्योंकि मैं सारे काम से फ्री होकर खाना वगैरह खा करके पढ़ने बैठ गई थी। और आज बड़े दिनों बाद पढ़ने का मौका मिला था, तो आज पढ़ने बैठ गई थी मैं। और वैसे भी एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आ रही है, तो इसलिए पढ़ना भी ज़रूरी है, पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालना है। और अभी मैं बस मंदिर जा रही हूँ दर्शन करने, उसके बाद रात का खाना वगैरह खा करके फिर से पढ़ने बैठ जाऊंगी। तो पहले मैं मंदिर के दर्शन कर रहा हूँ, यहीं पास में मंदिर है। और यहाँ मैं अपने तांशु बाबूजी के साथ मंदिर दर्शन करने आ गई हूँ। और ये जो आप उल्टी सीधी वीडियो देख रहे हैं ना, ये हमारे तांशु बाबूजी ने ही बनाई है।
मैं तो फ़ोन घर पर ही रखाई थी, लेकिन ये पता नहीं कब पीछे से जाके उठा लाए और अपने आप वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। और आज आपको अपने हाथों से खुद आपको सभी भगवानों के दर्शन करा रहे हैं। और जब तक मैं मंदिर से घर लौटी हूँ, ये शिमला मिर्च भी बनकर रेडी हो गई हैं। मम्मी घर पर ही थी तो बीच बीच में इनको चलाती रही हैं और ये हमारी भरवा पनीर शिमला मिर्च रेडी हो गई हैं। और ये बहुत टेस्टी हैं, जो आप आलू भर के बनाते हो ना, उससे भी ज़्यादा टेस्टी ये पनीर वाली हैं। और अभी मैं पापा जो अमूल गोल्ड दूध के 2 पैकेट लेके आए हैं, उन्हें भगोने में करके गैस पर गर्म करने रख रही हूँ। वैसे तो सुबह दूध वाले अंकल भी आते हैं दूध देने, मम्मी उनसे 2 किलो दूध लेती हैं। जब मम्मी पापा अकेले रहते हैं फिर तो उसी 2 किलो दूध में हो जाता है, चाय वगैरह भी बन जाती है, दूध दही बन जाता है। लेकिन जब हम सभी इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर मम्मी अमूल गोल्ड के पैकेट मंगा लेती हैं। और इस अमूल गोल्ड दूध का यूज़ मम्मी ज़्यादातर चाय बनाने में और दही बनाने में करती हैं। और सुबह जो ये कर्टेंस धोए थे सूख गए हैं, तो मैंने पाइप में करके लगा देती हूँ। ये साफ़ होकर के अब कितने अच्छे लग रहे हैं। और अभी बज रहे हैं 9:30 और हम जा रहे हैं खाना खा पी करके छत पर थोड़ी देर वॉक करने। मेरे पास रस्सी है पतंग उड़ाओगे रात में। लाइट बोलो, यहाँ की अंधेरा हो रहा है। देख क्या कर रहे हो ताजू, खोलो। बहुत उर्मी हो गए हो तांशु, आप बहुत नोटी हो गए हो। आ जाओ ऊपर जल्दी आ जाओ। और ये तांशु की साइकिल निकल आई, आ जाओ जल्दी आओ। निकल गए हैं, कैसे चलती है बिना बैलेंस के चलाओ। हाँ तो चल जाएगी वो, चल जाएगी बिना बैलेंस के। बैलेंस के लिए था वो, तो सीखो ना चलाना ऐसे। और जब से इस कोरोना ने विकराल रूप धारण किया ना, तब से मम्मी पापा डेली रात को खाना खाने के बाद वही 9:30 बजे तक छत पर आ जाते हैं टहलने के लिए, और 1 घंटे टहलने के बाद फिर नीचे जाते हैं। और अभी मम्मी छत पर यहाँ वॉक कर रही हैं, पापा नीचे ऑफिस का कुछ काम कर रहे हैं, तो वो थोड़ी देर बाद आएंगे। अभी मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ अपने गिफ्ट, जो मेरी देवरानी ने और मेरे पति ने मुझे मेरी मैरिज एनिवर्सरी पे दिया है। और बाकी सभी ने मुझे क्या क्या दिया है ये भी मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपने पति का गिफ्ट दिखाती हूँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे क्या दिया है गिफ्ट में। वैसे तो आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है कि वो गिफ्ट था मेरे पति ने ही मुझे दिया है। तो उन्होंने मुझे दी है ये साड़ी, जो कि मैंने अपनी मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन पहन रखी थी। तो ये साड़ी पहले ही ले आए थे मेरे लिए और मैंने तैयार भी करा ली थी अपनी उसी दिन के लिए, मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन पहनने के लिए। और ये साड़ी ना वो खुद अपनी पसंद से लेकर के आए हैं। वैसे तो आप लोगों ने मुझे देख लिया है मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन इस साड़ी को पहने हुए, फिर भी मैं आपको पास से दिखा देती हूँ कि साड़ी बहुत प्यारी है। इसका जो कलर ना बहुत प्यारा है, देखिए इस पे इस तरीके से वर्क हो रहा है नीचे ये, ऐसे आपको दिखाती हूँ मैं खोल के पूरा अच्छे से। और ये नीचे की साइड देखिए इस तरीके से बॉर्डर है इसमें इतना चौड़ा चौड़ा, और बीच बीच में ना इसमें ये वर्क भी हो रहा है मोतियों का। पूरी साड़ी पे ऐसा वर्क हो रहा है। और मैं आपको इसका पल्लू दिखाती हूं, ये है इसका पल्लू। तो बनारसी लुक में इसका वर्क हो रहा है, उसका पल्लू भी पूरा बनारसी लुक में ही है। और ये इसका ब्लाउज है, इसमें बोट नेक गला है और इसमें जो हुक हैं वो पीछे की तरफ हैं, इस तरीके से डिजाइन है। ये डोरी लगी हुई है इसमें, ऐसे पीछे ये ऐसी डिजाइन है, इसमें हुक लगे हुए हैं पीछे। और
ये बाजू है कोहनी तक, और इसमें देखिए देखिए ऐसे कट लगवाया है मैंने, और ये मोतियों की लटकन भी लटकी हुई है इसमें। और मेरी देवरानी ने मुझे गिफ्ट में क्या दिया है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसको मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मेरी देवरानी ने मुझे पाजेब दी है, लेकिन मैंने आपको उसकी डिजाइन नहीं दिखा पाई थी। तो ये देखिए, ये है वो पाजेब जो मेरी देवरानी ने मुझे दी है ना। सिंपल, सोबर, लाइट वेट, बहुत प्यारी है। और मुझे ऐसी ही पाजेब बहुत पसंद है जो कि सिंपल हो और लाइट वेट वाली हो, जिन्हें मैं डेली पहन सकूं, है ना। है ना अच्छी। और मेरे सासू माँ और ससुर जी ने टीका करते समय मुझे पैसे दिए थे, उनकी मैं शॉपिंग करके लेके आऊंगी। और तो दोस्तों ये थे मेरे गिफ्ट, अब नीचे चलते हैं। दोस्तों नीचे चलने से पहले आप लोगों से एक बात और कहनी है, अभी तक मैंने अपने हस्बैंड को कोई भी गिफ्ट नहीं दिया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा उन्हें क्या दूं। वॉच वो पहनते नहीं हैं, कपड़ों की उनसे बोला तो वो मना कर दिया उन्होंने, और मैं बिना उनके साथ जाए उनके नाप के कपड़े खरीद नहीं सकती। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या सरप्राइज गिफ्ट दूं, तो आप ही लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मैं उन्हें क्या गिफ्ट दूं। और ये कुल्फी मैंने कल दिन में फ्रीजर में जमने के लिए रखी थी, लेकिन कल पूरी रात में ये जम ही नहीं पाई, और ये आज सुबह तक जम पाई हैं, और इनको खाने का नंबर अब आज रात में आ रहा है। तो मैं इन कप का कागज़ फाड़ के कुल्फी अलग कर लेती हूँ, और ये देखिए हमारी कुल्फी कितनी अच्छे से जम गई है। और पता ही, आइसक्रीम मैंने कल दोपहर में जमाई थी, तो रात तक ये बन नहीं पाई थी, ठीक से जम नहीं पाई थी, तो इसलिए कल रात को हम लोगों ने खाई नहीं, मैंने निकाली भी नहीं जब ठीक से जमी नहीं थी तो। और इसलिए इस कुल्फी को खाने का मौका अब आज रात को मिला है, तो आप लोग भी आ जाइए आइसक्रीम खाने हमारे साथ, घर की बनी हुई होममेड कुल्फी। अभी हो गया है आप लोगों से विदा लेने का टाइम, और जाने से पहले हमारी आज की इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।